गाइस वेलकम टू माय एमजी बुलबुल ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, बच्चे चले गए स्कूल और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं खाना बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ अंडे का कड़ी। तो आज मैं बना रही हूँ एक कड़ी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, के लिए तो यहाँ पे टमाटो ग्राइंड करके रखी हूँ, यहाँ पे अंडा भूज के रखी हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये है, देखिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसको मैं थोड़ा ब्राउन करके भूज के अभी इसका अंदर डालूँगी टमाटो का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। इसको पकाने के बाद, पक जाने के बाद मैं फिर इसमें मसाला जो ऐड करना है वो करूँगी। तब तक के लिए थोड़ा इसको पकने देंगे, लो में है। तो देखते हैं, कहीं बाहर जाना है गणेश चतुर्थी के लिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उधर बाहर का व्यू। और बाहर नहीं जा रहे हैं, गोवा में ही रहेंगे, यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे कहीं जाऊंगी घूमने के लिए तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी गणेश भगवान का तैयारी यहाँ कहाँ कैसे करते हैं गणेश चतुर्थी, गोवा का गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं। गोवा का एक खूबी है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व, जैसे गाँव में हमारा दुर्गा माँ का पूजा होता है ना 9 दिन, वैसा यहाँ पे गणेश चतुर्थी होता है 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन वैसा रखते हैं। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी बोला तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और यहाँ पे घर घर में गणेश भगवान को लाके थमना करते हैं। हमारा उधर पूरा ताई इकट्ठा करके बड़ा मूर्ति बनाते हैं और गाँव का क्लब में रखते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे घर घर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का घर में जाके 7 दिन, 11 दिन, 5 दिन तक भोज खाने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो सब गांव का एक एक रिवाज रहता है, वो मनाना पड़ता है। हमारा गाँव में तो घर में नहीं मनाते हैं, बाहर मनाते हैं, जैसे कि क्लब रहता है, खुला जगह रहता है, बच्चे लोग स्टैंड डेकोरेशन कुछ कुछ करते हैं और मनाते हैं। तो यहाँ का भी कहीं जाऊंगी मैं घूमने के लिए तो आप लोगों को जरूर दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी मसाला, थोड़ा और होना चाहिए। और ये है डाल के, फिर इसी में ही नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक डालने के बाद तब तक वो पानी भी, ग्रेवी भी मोटा हो जाएगा।
ये थोड़ा कसूरी मेथी डाल दिए इसमें खुशबू के लिए। बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही पसीना बहुत हो रहा है। बारिश के दिन में भी इतना गर्मी लग रहा है यहाँ पे। गोवा का क्लाइमेट ही पूरा अलग है, आप लोग आके एक बार रह के जाइए, बारिश ही नहीं पता चलेगा, धूप नहीं पता चलेगा या ठंड भी नहीं पता चलेगा आप लोगों को कि क्या सीजन है, किसका सीजन है पता ही नहीं चलता है। हर समय 12 महीना एक ही गर्मी ठंडी धूप 12 महीना रहता है। तो गोवा का क्लाइमेट ही चेंज अलग है पूरा, मस्त अच्छा लगता है। गांव में तो 4 महीना बारिश आएगा तो कंटिन्यू पूरा कीचड़ कीचड़ हो के मन नहीं करता बाहर निकलने के लिए, लेकिन गोवा में बारिश आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि बारिश का महीना है। पानी कहाँ चला जाता है, इतना बड़ा बारिश आने के बाद भी यहाँ पे समुद्र की वजह से शायद पानी बहुत रहता नहीं, उधर चला जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता है। अब बारिश हुआ और थोड़ा टाइम के बाद धूप करता है तो उबाल आ गया लगता है। वो चढ़ चढ़ कर रहा है तो मैं देखती हूँ उबाल आ गया कि नहीं। गाइस अभी ये हो गया है बनके, तो इसको मैं थोड़ा साइड करके आप लोग देख सकते हैं लहसुन, तो इसको मैं छीलती हूँ, उसके बाद मैं दाल का तड़का करूँ लगाऊँगी। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ये तो दोनों हाथ में छीलने को मिलेगा ना, एक हाथ में तो नहीं छीलने को मिलेगा जो लहसुन है। सो इसके लिए थोड़ा मैं स्टॉप कर रही हूँ, उसके बाद फिर मिलाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस देखिए दाल में भी थोड़ा हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और वो कसूरी मेथी डाल के उबाल आने तक मैं रख दी हूँ, अभी उसको तड़का में बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए तड़का लगा रही हूँ, तो उसमें लहसुन डाली हूँ 2-4 5 फुटना डाली हूँ और ये थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, दाल में थोड़ा हींग अच्छा ही लगता है ना, डाल के बस दाल में तड़का लगा दूंगी। देखो हो गया मेरा दाल, गैस को कर दिया है ऑफ, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। तो गाइस मेरा दाल भी बन गया और एक कड़ी भी बन गया है, तो पसीना भी बहुत निकल रहा है। तो चलिए इसको मैं दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इसको दूसरे जगह में रख के इसको इस कुकर में फिर से मुझे चावल चलाना है। तो मैं दाल रख देती हूँ दूसरी जगह में, और यहाँ पे तो अंडा है, यहाँ पे दाल को मैं दूसरी जगह रख के इसमें चावल चढ़ाती हूँ। तो चलिए सो गाइस देखिए यहाँ पे मैं चावल को कुकर लगा रही हूँ, बहुत है।
मेरे बच्चे क्या हालत कर दिए हैं। ए देखिए स्कूल जाते समय ऐसे ही फेंक देते हैं कपड़ा। इसको मुझे अभी धोना है। और यहाँ पे और भी कपड़ा है, इसको घड़ी करना है। सो गाइस देखिए ये कपड़ा मैं धो कर रखी हूँ, तो इसको अभी घड़ी करके रखती हूँ और बच्चे आने से पहले थोड़ा सब काम करके रख देती हूँ। वो आएंगे तो खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे और मार्केट भी जाना था मुझे, लेकिन वो तो सोए हैं तो जाने के लिए नहीं मिलेगा। मैं झाड़ में पानी भी दे नहीं रही हूँ पौधा में, तो थोड़ा सूख भी रहा है। सो गाइस मुझे तो भूख भी लग रहा है जोरों से। आज मैं सुबह चपाती भाजी नहीं बनाई, बहुत जोरों से भूख लग रहा है। चावल हो जाने के बाद मैं पहला खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर जो काम है वो करूंगी। तो तब तक के लिए बस बने रहिए वीडियो में। सो हे गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और मैं आई हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे मेरा थाली भी रेडी हो गया है, मैं थाली भी परोस के थाली में लेके आई हूँ। राइस और ये आंडा कढ़ी दाल और ये थोड़ा सा दही में प्याज और नमक और मिर्ची पाउडर डाली हूँ। मेरे को तीखा वाला हरी मिर्च पसंद नहीं आता है, वो बहुत तीखा लगता है, तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाली हूँ और चावल लगाई हूँ। और यहाँ पे तो गाइस चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पहला, और उसके बाद मैं और भी काम है करूँगी। तो गाइस आज का मेरा अंडा कढ़ी भी और मेरा थाली भी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। और ऐसे ही डेली ब्लॉग में कुछ जो भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगी। और प्लीज़ बताइए मैं कैसे बनाई हूँ और ब्लॉग भी मेरा कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बोलिए मुझे। मैं ख़राब कर रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ या और अच्छा करूँ या कैसे करूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा राय दीजिएगा। तो तो गाइस देखिए पहला निवाला मैं ले रही हूँ मुँह में, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रहा है और एक्साइट भी हूँ कि आंडा कढ़ी कैसा बना है, मुझे वो देखना है। तो चलिए मैं जिसका खाना को वो तारीफ नहीं करना चाहिए, लोग तारीफ करेंगे तो ही समझो कि अच्छा लगा, बट अच्छा लग रहा है मुझे तो। लक्ष्मी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था और इसकी वजह से मैं इधर मुँह रख के खा रही हूँ, तो अब मैं उधर रख के खाऊंगी। सो गाइस मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ, पूरा दिन का और नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बच्चे भी मेरा टाइम टेबल नहीं है, वो कब आएंगे, तो मोबाइल भी ऐसे पकड़ पकड़ के काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो न्यू है एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें जो भी मुझे गलत हुआ है मेरा वीडियो में, जो आज का वीडियो नहीं कभी भी कौन सा भी वीडियो में
मैं कहीं गलत बोल दी हूँ या गलत दिखा दी हूँ या गलत कर दी हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये गलती किए है करके, मैं वो गलती सुधारूंगी। नेक्स्ट टाइम वीडियो में मेरा ब्लॉग में वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिए मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, तो मैं बनाऊँगी ऐसा। बस आप लोगों को मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मेरा क्या गलती हो रहा है, क्योंकि मेरा ब्लॉग मुझे कभी कभार अच्छा नहीं भी लगता है, मेरा बोलना भी थोड़ा तो। आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए कि मैं कैसे ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही। तो मैं देखिए गोदी में खाक खा रही हूँ और पूरा खाली खाली घर लग रहा है, पूरा सोना सोना लग रहा है, क्योंकि मेरे दो सोना नहीं है ना, इसी वजह से मेरा दो सोना रहते हैं तो मुझे घर भरा भरा लगता है, और वो लोग नहीं रहते हैं तो मेरा पूरा खाली खाली लगता है, मन भी नहीं करता है। तो पूरा दिन का काम तो जल्दी निपट लेती हूँ मैं, कभी कभार लेट भी हो जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो इसकी वजह से थोड़ा मैं भी उदास रहती हूँ, दुख भी लगता है मुझे कि पापा उसका काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेली इतना बड़ा घर में अकेली रहती हूँ, तो मुझे दुनिया भर का टेंशन आता है। और आदमी लोगों को हर टेंशन रहता है, ऐसा कौन है कि किसको टेंशन नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। ऐसा कौन है कि उनको टेंशन नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। पैसा वाले को भी टेंशन है और गरीब को भी टेंशन है, धनी को भी टेंशन है, सबको टेंशन है, टेंशन सबको है। टेंशन ऐसा चीज़ है कि सबका घर में रहता ही है, चाहे खाने के लिए रहे या ना भी रहे, लेकिन टेंशन जो है ऐसा चीज़ कि सबका घर में रहता है। इतना भी बड़ा अमीर हो उसको कुछ चीज़ का तो टेंशन रहता ही है। तो वैसे मुझे भी बहुत टेंशन है, तो मैं बताती नहीं हूँ मेरा दुख का बात किसी को, मुझे क्या फील होता है तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, और किसको बताऊँ, मेरा कौन है जो मैं बताऊँ। तो इसीलिए मैं अपने दिल में ही दबा कर रख लेती हूँ वो सब बात। तो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी अपना स्टोरी। तो बस ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, एक एक वीडियो बनाती रहूँगी, छोड़ती रहूँगी। वो देखिए दरवाज़ा अपने आप को पीटेगा हवा से, तो सोए है तो उनको नींद टूट जाता है दरवाज़ा। तो गाइस मेरा भी कुछ पास्ट का बात ऐसा है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, लेकिन अब नहीं, जब टाइम आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिलहाल तो मुझे बस आगे बढ़ना है यूट्यूब में काम करके, अपना घर देखूँ, बच्चों को देखूँ, बस इतना ही चाहती हूँ। आप लोग मुझे साथ दीजिए, आप लोग के साथ के बिना कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, नहीं तो रोना आ जाएगा। तो चलिए खाना खाते खाते मैं आज बहुत बातें भी कर लिया आप लोगों के साथ, तो कल का ब्लॉग में आप लोगों को और कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और गणपति का तैयारी करिए, और धूमधाम से अपना अपना घर में गणपति बाबा को लाइए, और 7 दिन हो या 11 दिन हो या 5 दिन हो या 3 दिन भी हो या 1.5 दिन भी हो, इतना तो रखना चाहिए। और अच्छे से सेवा करिए, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, तो जो भी है घर अपना है जिसका, और जो मानते हैं गणपति बाबा को, तो आप लोग गणेश जी को लाइए घर में। और आप लोगों का नसीब इतना अच्छा है, जो भी करते हैं वो लोग कितना अच्छा है, क्योंकि गणपति का सेवा कर रहे हैं, गणेश जी का सेवा कर रहे हैं, और हम लोगों का नसीब इतना ख़राब है कि हम लोग गणपति को छू भी नहीं सकते हैं।
करने का बात तो दूर का बात है, जो हम लोग बाहर जाते हैं देखते हैं दर्शन देते हैं आते हैं बस इतना ही। तो आप लोग का नसीब बहुत अच्छा है, बहुत। ये मौका मत गवाइए, जब तक जान है तब तक आप लोग सबका सेवा करिए, सबको खुशियाँ दिए। मर जाएंगे आज नहीं तो कल, मरना ही है, कभी मर जाएंगे पता ही नहीं चलता है, तो जब तक जिंदा है तब तक सेवा करना चाहिए।